सहारनपुर में पत्रकार और उसके भाई की शराब माफियाओं द्वारा हत्या करने के विरोध में अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति की आपात बैठक का आयोजन किया। बैठक में पत्रकार सुरक्षा कानून की मांग को लेकर राज्यपाल मुख्यमंत्री से मांग करते हुए पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। सहारनपुर के पत्रकार आशीष कुमार व उसके छोटे भाई की निर्मम हत्या पर क्षेत्र के पत्रकारों में गहरा रोष है। उन्होंने इस हत्याकांड पर शोक व्यक्त करते हुए हमलावरों को अविलंब गिरफ्तार करने व मृतकों के परिजनों को 50 लाख रुपए आर्थिक सहायता की मांग की है। इस दोहरे हत्याकांड पर रोष व्यक्त करते हुए पत्रकारों ने कहा कि प्रदेश के इतिहास में पत्रकारों के लिए यह दिन काला दिवस के रूप में याद किया जाएगा। इनके एक साथी व उनके भाई जिस तरह से हमलावर पड़ोसी मारकर फरार हुए हैं वह किसी गहरे षड्यंत्र की तरफ इशारा करता है। सफाई पत्रकार सुरक्षा को लेकर और कुछ मांगों को लेकर आपने एसपी साहब को क्या पूरा मामला? काफी समय से लगातार प्रदेश और देश में पत्रकारों पर लगातार जानलेवा हमले हो रहे हैं, उनकी हत्याएं की जा रही हैं। इसको देखते हुए पत्रकार अपने आप में असुरक्षा महसूस कर रहे हैं। अभी ताजा मामला सहारनपुर का है जहाँ दैनिक जागरण के पत्रकार उसके भाई के घर में घुसकर बदमाशों ने निर्मम हत्या कर दी, जिससे पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था की पोल खुल रही है। लेकिन इसके बाद भी हम लोग पत्रकार बंधुओं कोई भी जो सहयोग है या सुरक्षा है उसकी कोई बात नहीं कर रहा है। आज हमने सुरक्षा पत्रकार सुरक्षा समिति के बैनर तले कप्तान और डीएम से मिलकर के ये मांग की है प्रदेश सरकार से और केंद्र सरकार से कि पत्रकारों को सुरक्षा दी जाए और उनकी सुरक्षा के तहत कानून बनाए जाएं और जो पीड़ित परिवार है मृतक के परिवारजनों 50-50 लाख रुपए और परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाए। पत्रकार अगर सर अगर जो है इस तरह की आपकी जो मांग है अगर नहीं मानी जाती है तो उसके बाद आपका क्या निर्णय? यदि इस तरह की मांगे हमारी पूरी नहीं होती है तो हम लगातार आंदोलन करेंगे और पत्रकार सुरक्षा की मांग करते रहेंगे और हम सब एकजुट होकर के अपनी मांग को मजबूती के साथ उठाते रहेंगे। सर जो आपने जो अपने हाथ है उसके जो काली पट्टी बांध रखी है उसका क्या मतलब? ये सांकेतिक विरोध है कि हमारे पत्रकार भाइयों के जो सुरक्षा है और सुरक्षा लगातार नहीं मिल रही है, लगातार हमले हो रहे हैं, लगातार उनके साथ मारपीट हो रही है, लगातार उनके साथ प्रशासन दमनात्मक रूप से मुकदमे दर्ज करा रहा है ताकि वो अपनी आवाज को मंदिर से ना उठा सके। ये उसके विरोध स्वरूप काली पट्टी बांध करके हम लोग अपना सांकेतिक विरोध ज्ञापन दिया गया है। ये आज जनपद संभल के जितने हमारे पत्रकार साथी हैं उन्हीं के साथियों के साथ एक सहारनपुर में दुखद घटना हो गई है। इसी के संदर्भ में आज हमारे संभल के जितने पत्रकार साथियों ने एक ज्ञापन दिया है मुख्यमंत्री आदरणीय मुख्यमंत्री जी को संदर्भित करते हुए और उनकी मांगे हैं कि जो पत्रकार बंधु हैं उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, जो अपराधी हैं उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए और इन सभी मांगों को एक पत्र के रूप में जो प्रस्तुत किया है उसको मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी तक पहुँचाऊँगा। अपने पत्रकार साथियों की आवाज़ है ये और वो उचित माध्यम से उचित स्थान तक पहुँचाई जाएगी और उनके साथ जो भी सहयोग है किया जाएगा।